हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लियाना किंगडम। और कैसे आप सब, मैं हूं लियाना। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूं। नायका ने लॉन्च किए हैं 5 सितंबर को फेस वॉश, जिसके अंदर 5 सितंबर को जो लॉन्च हुए थे उसके अंदर जो लॉन्च हुए वो तीन तरीके के फेस वॉश है, तीन टाइप्स के हैं, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक है नायका सैफरन एंड हनी, नेक्स्ट है नायका का सैंडलवुड एंड ऑरेंज पील, एंड ये वाला है टी ट्री एंड नीम। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों लॉन्च हुए हैं अभी 5 सितंबर को लॉन्च हुए हैं। जब लॉन्च हुए थे ना, तो मैंने अभी, मुझे आधा घंटा हुआ था, मैंने नायका पे चेक किया था, तो मुझे ये तीनों के तीनों ये दिख गए, तो मैंने उसी टाइम ऑर्डर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे या फिर उससे और अगले दिन मुझे ये रिसीव भी हो गए थे। तो मैंने ना, देखो जब ऑयली स्किन, एक्ने प्रॉन स्किन होती है ना, जिसकी मेरी है, सच्ची बताऊँ तो मेरे को ना हमेशा, हम लोग जो भी होते हैं ना ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन वाले, फटाफट से ना नीम और टी ट्री जहाँ देख लेते हैं ना फटाफट से चीज़ें ले लेते हैं ना। ऐसी होता है ना, आप लोग भी जिसकी ऑयली या फिर ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन होगी तो आप भी ऐसी करते होगे कि ये तो हमारे लिए है। ठीक है, ऐसा ही कुछ मुझे भी लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, और बाकी जो दो थे मुझे ये भी बहुत अच्छा लगे, क्योंकि सैफरन और हनी भी बहुत अच्छा होता है स्किन ग्लोइंग के लिए, और सैंडलवुड एंड ऑरेंज पील होता है टैनिंग के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, सारा ही ऑर्डर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो, मैं आपको रिव्यू दे रही हूं इस वाले का, वो दोनों मैंने अभी तक यूज नहीं किए हैं। देखो ये सील पैक है ऐसे, ठीक है, प्लास्टिक में ऐसे सील पैक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना नायका का, ये टी ट्री एंड नीम है। ठीक है, तो सबसे पहले बता देती हूँ, इसका वेट है 100 ml का, और 3 years की शेल्फ लाइफ है, जो बहुत अच्छी शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट है, और सबसे बढ़िया चीज 100 ml का ही है। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ ना, पॉकेट फ्रेंडली, तो पॉकेट फ्रेंडली मैं इसे नहीं कह सकती। पता है क्यों नहीं कह सकती? मेरे साथ ना कुछ, इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ये गिर गया मुझसे, और गिरने के बाद देखो ये कुछ ना ऐसे टूट गया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये टूट गया। ऐसा किसी भी प्रोडक्ट के साथ पहले नहीं हुआ है। फेस वॉश यार हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, मगर ऐसे टूटा हो, प्लास्टिक शायद इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है कि ये टूट गया। मैं इसको ये नहीं कह सकती हूँ कि आप आराम से रख सकते हो, भाई बहुत ध्यान से रखना, हो सकता है आपका भी टूट जाए, ले लो तो। ठीक है, तो मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ, बताऊंगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रख के बताने वाली हूँ, उल्टा कर रही हूँ ना तो ये सारा लीकेज हो रहा है। वैसे लीकेज का कोई चांस नहीं है, काफी अच्छी टाइट है, अब तो टाइट आपको दिखा भी नहीं सकती क्योंकि इसका ना ये खराब हो गया। ठीक है, अब कोई बात नहीं, जैसे भी करेंगे इसको क्लीन, मतलब अच्छे से तो यूज तो करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ ये 100 ml का है। ठीक है, और इसकी शेल्फ लाइफ प्राइस बता देती हूँ, 139 rupees का है, यानी कि अप्रॉक्स 140 rupees का। तो ये चीज़ देख के ना कि इतना सस्ता नायका ने लॉन्च किया है, मुझे लगा था नायका लॉन्च कर रहा है तो अच्छा खासी चीज़ है, चलो लेके देख लेते हैं। मैं इसे बुरा नहीं कहूंगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स की, जो है टी ट्री और नीम। देखो दोनों की दोनों ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, हमारी स्किन को बहुत अच्छा करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, जो इस पे लिखा भी है प्योरीफाइंग। ठीक है, पिंपल्स एक्ने दूर होने वाले हैं, साथ में ही आपके फेस के ऊपर अगर स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स सॉरी, तो वो भी ठीक हो जाएंगे, ये कंपनी क्लेम करती है। ठीक है, और साथ में ही कंपनी क्लेम तो बहुत कुछ करती है भाई इसकी। ठीक है, मतलब जो ये काम करते हैं ना टी ट्री वगैरह, ये एक्ने को दूर करते हैं, पिंपल्स को दूर करते हैं, स्पॉट्स को दूर करते हैं, स्किन पे ग्लो भी लेकर आ जाते हैं, और साथ में ही ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लेमिशेज हैं, पिगमेंटेशन है, ये सभी चीज़ें इससे दूर होती हैं। लेकिन ये जब लॉन्च हुआ था ना 5th of September को, और मुझे 6th या 7th को रिसीव हो गया था, उसके बाद से ही मैंने इसको यूज़ करना शुरू करा। इसको जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, देखो मैं कहूँ ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं या डार्क स्पॉट्स मैं कह सकती हूँ, वो इससे ठीक हुए हो इतनी जल्दी तो मैं ये नहीं बोल सकती, क्योंकि इसको मेरे को यूज़ करते हुए हो गए हैं 10-12 दिन। ठीक है, इतने तो हो गए होंगे। तो इसको मैंने ना 2 times यूज़ किया है, मॉर्निंग में और नाइट अपने CTM में। तो ओके प्रोडक्ट है, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ मैं नहीं, ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम किया, ये किया वो किया, बेकार में बात करना मेरा नहीं है हैबिट, जो बात सच है ना वो बताऊँगी, ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा कि ये ओके प्रोडक्ट है। 50-50 इसकी जो एक काम है ना, नॉर्मली एक फेस वॉश वाला ही है। हाँ, पिंपल्स मुझे नहीं हुए हैं इससे, मैं ये बोल दूँ कि पिंपल्स वगैरह हो गए हो या स्किन हार्श हुई हो या स्किन पे कोई दिक्कत हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हल्का सा ड्राई आउट हुई थी मेरी स्किन, हल्की सी, जो कंपनी क्लेम करती है ना कि ड्राई नहीं होगी, स्किन ड्राई नहीं होगी इसके बाद, वो मेरा ऑयली स्किन है, या तो हो सकता है जिनका बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयली होता है ना उनके लिए बेस्ट हो, जो चाहते हैं बिल्कुल ऑयल निकल जाए। मैं ये बोलूंगी कि देखो स्किन के ऊपर ना एक नेचुरल ऑयल थोड़ा बहुत होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैं नहीं बोलती कभी भी कि स्किन पे से बिल्कुल ऑयल चला जाना चाहिए, आप एकदम ऑयल कंट्रोल चीज़ ले लो जिसके अंदर ऑयल बचे ही ना। ठीक है, कई बार स्किन, मेरी ऑयली स्किन होते हुए भी ड्राई हो गई थी इससे हल्की सी, फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गई। ठीक है, हो सकता है ये मॉनसून, ये जो मतलब मॉनसून नहीं, ये जो वेदर अभी चल रहे हैं ना, कुछ ह्यूमिडिटी भी हो गई है, कुछ इस वजह से हुआ है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों हुआ, मगर मैंने जब जब इसे यूज़ करा ना तो मैं इसे ये नहीं कह सकती कि ड्राई आउट नहीं करता, ड्राई आउट थोड़ा बहुत करता है, मेरी स्किन पे किया है और पिंपल्स भी नहीं हुए हैं इससे। दूसरी बात यह है कि ये कह रहा है डार्क स्पॉट्स हट जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ कि डार्क स्पॉट हट जाएंगे,
अब कंपनी कह रही है हो सकता है भाई महीना डेढ़ महीना करने से हो सकता है होता हो, मगर मैंने जितने दिन यूज किया ना इतने दिन तो इसने ये डार्क स्पॉट्स पे कोई काम किया नहीं, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको नहीं बोलूंगी कि डार्क स्पॉट्स अगर आपके हैं तो प्लीज इसे लें, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहने वाली। मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं नजर आए हैं डार्क स्पॉट्स में, और मेरी सिस्टर ने भी इसको यूज किया है, उसका भी ऑयली स्किन है, तो वो भी कह रही है ठीक ठीक प्रोडक्ट है, कुछ हाई क्वालिटी या जितने भी क्लेम करें सबके सब मतलब हो गए हो बिल्कुल के हाँ वो वाली चीज है, मैं इसको नहीं बोल सकती। बाकी इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, अब मैं इसको आपको दिखा तो सकती नहीं हूँ, टूट गया, मैं दूसरे वाला दिखा रही हूँ, सेम कंसिस्टेंसी दूसरे में भी। तो ये देखो कुछ ना जेल प्लस वाटर बेस्ड है इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक नहीं है, मतलब जेल प्लस वाटर बेस्ड मैं इसको बोल सकती हूँ, ठीक है। सभी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैं इसको अगर आप उल्टा करके दिखाऊंगी ना भी लीक हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखा रही हूँ, मैंने वो दिखा दिया है, ठीक है। और बाकी ये है पैराबिन फ्री, पैराफिन फ्री, मतलब जो भी है इसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल्स वगैरह ये सब नहीं डले हुए हैं, नेचुरल है। और नायका एक अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छा ब्रांड बन गया है, तो मुझे नायका पर्सनली बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छी मतलब मुझे शॉपिंग के लिए सबसे अच्छी साइट लगती है नायका, ये मैं नायका को हमेशा बोलूंगी, आपको भी कहूंगी कि नायका से शॉपिंग हम कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने ना पता है सबकी सब क्यों खरीद लिए थे, एक चीज और बताती हूँ, एक तो नए नए लॉन्च हुए, दूसरी चीज कॉम्बो चल रहा है इनके ऊपर, ठीक है। मेरे को कॉम्बो में ना ये ऐसे रिसीव हुए हैं, ये और एक और है, अब ये वाला जो मेरे पास है ना सैंडलवुड एंड ऑरेंज, ये मेरे पास दो आ गए हैं, ठीक है, ये रहे, ये दो आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। कॉम्बो क्या था कि ये दोनों एक साथ दिखाती हूँ मैं, और ये दोनों एक साथ कुछ इस तरीके से आए थे, यानी कि नीम और सैंडलवुड एंड ऑरेंज पील एक साथ आए थे, और सैफरन एंड हनी एंड सैंडलवुड ऑरेंज पील एक साथ आए थे, तो ये दो भी मिल गए मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, फेस वॉश तो चाहिए होता है ना, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी डी टैनिंग का है, देख लेंगे कि टैनिंग रिमूव होगी कि नहीं होगी, अभी तक तो मैंने यूज किया नहीं है। और बाकी कॉम्बो चल रहा था, और ना कॉम्बो काफी अच्छा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है कॉम्बो में, चाहो तो नायका पे डिस्काउंट में इसको ले सकते हो, एक लोगे तो 139 का पड़ेगा सिंगल वाले पे, ठीक है। और बाकी मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई दी, डीप क्लिंजिंग तो डीप क्लिंजिंग करता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि हमेशा अपने फेस के ऊपर जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, स्पेशली फेस वॉश जो हम खरीदते हैं ना, फेस क्लेंजर, हमें कभी भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल आपकी स्किन पर से ऑयल चला जाए, चाहे ऑयली स्किन है, ठीक है। कभी भी सारा की सारा ऑयली स्किन पर से भी ऑयल जाना ठीक नहीं होता है, ऑयल थोड़ा बहुत हमारी स्किन पर नेचुरल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा चीज है मतलब कि बिल्कुल ही आपकी स्किन जो है ऑयल फ्री हो जाए, नहीं नहीं वो फिर दिक्कत हो जाएगी, रिंकल जो होते हैं ना और फाइन लाइन्स ये सब उससे दिक्कत हो जाती है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप ऐसा कुछ लो। तो मैंने एक वीडियो भी प्रिपेयर कर रखा है, मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि फेस को कितनी बार क्लीन करना चाहिए और कैसे क्लीन करना चाहिए, या वहां से देख लेना, तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपके लोगों को पता ही नहीं होता है कितनी बार करना है कैसे करना है, तो प्लीज, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि ओके ओके ठीक है, ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं कोई कंपनी की आप लोग के आगे ये नहीं करूंगी कि नहीं कंपनी मेरी फेवरेट है तो मैं ये बोल दूंगी नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, ले लो ये कर लो वो कर लो, भाई नायका एक ब्रांड बन चुका है, बहुत अच्छा है, मगर प्रोडक्ट ओके ओके ये मैं बार बार कहूंगी, ठीक है। कंपनी क्लेम ठीक भी है नहीं भी है, तो ये हो सकता है कि मेरी स्किन पे इतना, अब देखो आप ना ऑयली स्किन, मेरी भी ऑयली स्किन आपकी भी है, लेकिन हो सकता है हम लोगों को अलग अलग ही प्रोडक्ट यूज अच्छे लगते हो, जैसे एप्पल साइडर विनेगर कुछ कंपनी है मामा अर्थ का मतलब वो है मॉइस्चराइजर, मैंने आपको उसका ना रिव्यू दिया था, उसके रिव्यू में ना वो एप्पल साइडर विनेगर बेस्ट होता है ऑयली स्किन के लिए, लेकिन उसके तो मेरे साथ कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुए हैं, मैंने आपके साथ ना वीडियो शेयर कर दूंगी नीचे, आप लोग उसको भी देख लेना, बहुत ही अलग। तो मतलब प्रोडक्ट ना चाहे किसी भी स्किन टाइप का हो, हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर मेरा भी ऑयली है आपका भी ऑयली है ना, तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें मेरे को रिजल्ट मिले सेम आपको मिला, हो सकता है जो कंपनी क्लेम कर रही है वो रिजल्ट आपको मिल जाए, ट्राई करके देख लो, 139 रुपीज में कोई बुरी डील नहीं है यार, अच्छी डील है, ठीक है, तो ट्राई जरूर करके देखना, मैं तो ये कहूंगी। बाकी पिंपल्स वगैरह नहीं होते हुए हैं इससे मेरे, तो मैं भी कहूंगी कि पिंपल कंट्रोल किए हैं, ठीक है, तो वैसे मेरे कभी कभी ना हो जाते हैं, ये एक आध निकल रहा है इधर, ये तो आते हैं थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, ठीक है, बाकी इसने कोई पिंपल्स नहीं किए, मैं ये कहूंगी हाँ हो सकता है पिंपल कंट्रोल इससे हो रहे हैं मेरे, मेरे को इस चीज में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, थोड़ा बहुत हो सकता है मैंने आपको बोर कर दिया हो, मैं बोर नहीं है, एक ऑनेस्ट रिव्यू देना मेरा काम है कि मैं आपको दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके पैसे खराब हो जाए, दूसरी चीज आपकी स्किन के साथ कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइए अगर आपने इसको यूज कर लिया है, या फिर आपने इसको ऑर्डर कर दिया है, या करने वाले हो तो प्लीज इसको जरूर आप लोग वीडियो को देखो, और तब आप लोग डिसाइड करो कि आपको लेना है या नहीं लेना। मैं कहूंगी लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है क्या, 140 रुपीज में ना कोई बुरा भी नहीं है। बाकी पिंपल्स की अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो टी ट्री और नीम बहुत अच्छा होता है। हाँ फ्रेग्रेंस बता देती हूँ, नीम वगैरह से रिलेटेड कुछ अलग ही फ्रेग्रेंस है इसकी, ठीक है, मतलब कोई ज्यादा खास भी नहीं है। नीम की देखिए ना आप लोगों ने कैसी होती है, देख पता होगा आपको, थोड़ी सी अलग सी, तो कुछ इसी तरीके की है, ठीक है, कुछ बहुत अच्छी वाली, कुछ वैसी वाली जो
अच्छी वाली होती है ना खुशबू, मीठी मीठी सी, उस तरीके की नहीं है, नीम टाइप की ही है। तो आप लोग ये देख लो, और बाकी आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग जरूर परचेज करना, देखना चाहते हो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है ना और प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे, जिन्होंने इसको लेना है या फिर जिन्होंने इसको नहीं लिया है, जो सोच रहे हैं लेने की, वो उन लोगों के साथ प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं कराए तो बेल आइकन को ऑल पे हिट कर देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंट और सबसे पहले मिल जाए। लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको लगता है कि मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है तो, और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हो मैं भूल गई हूँ बताना, तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। ठीक है, और आप लोग को मेरे इंस्टा हैंडल का जो लिंक है ना मिल जाएगा नीचे, ठीक है, उसको जाके जरूर फॉलो करें, मैं वहां पर आप लोग को हेल्प कर दूंगी, डीएम कर सकते हो, पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। बाकी मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।